अभी मैं आपको बताता हूँ जो है ना, वहाँ पर जो ना सदर बाजार के अंदर एक मस्जिद है, उसका नाम है ऊंची मस्जिद। मैं क्या सुन रही हूँ सर? ऊंची मस्जिद के नज़दीक से उन्होंने मेट्रो गुजारनी थी, तो जो है ना उन्होंने मेट्रो क्यों नहीं गुजारी वहाँ से, क्योंकि वो मस्जिद को तोड़ना पड़ना था, आपको मालूम है। तो मोदी ने कहा कि इस मस्जिद को तोड़ना नहीं है, इसका रास्ता चेंज कर दो। तो आज उन्होंने जिस तरह गले लगाया, तो इस पर आप क्या कहेंगे सर? उन्होंने तो किसी भी देखा कि यार ये मुसलमान है, मैंने इसको गले लगाना है, ये हिंदू है, मैंने इसको गले लगाना, ये ईसाई है, उन्होंने वाटर सबको गले लगाया। उन्होंने कोई ये देखा यार मुसलमान है ये, उन्होंने कोई ऐसी चीज़ नहीं अपने माइंड में देखिए। शामी अकेला नहीं है ना, मोहम्मद सराज भी नहीं, शामी अकेला नहीं है ना मुसलमान, शामी के साथ 35 करोड़ और लोग भी हैं उधर। उसने मोदी ने 35 करोड़ मुसलमानों को गले लगाया है। तो सुनते हैं मीडिया पर कि वहाँ पर मुसलमानों को तो उन्होंने, मैं कहती हूँ, तलवारों के साथ नीचे रखा हुआ है, क्या है ये, क्या है? सब गलत है, सब जो है ना फेक बातें, जब तक आप जाएंगे नहीं ना, जब तक आपको पता नहीं लगेगा। तो मुसलमानों के लिए इंडिया क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों सोशल मीडिया का तो यही तो खासियत है, सोशल मीडिया आज के डेट में वह काम कर रहा है, वह काम कर दिया है जो कोई नहीं कर सकता था। दोस्तों आज दुनिया जान चुकी है और पाकिस्तानियों को भी पता लग चुका है कि मोदी जी मुसलमानों का कभी बुरा नहीं सोच सकते, मोदी जी किसी का भी बुरा सोचते ही नहीं है। और जैसा कि आपने देखा इस वीडियो में कि खुद पाकिस्तानी बोल रहा है कि हमने अपने आँखों से देखा है मोदी जी को मस्जिदें बचाते हुए, और कुछ पाकिस्तानी जाहिल जो हैं इतना गलत प्रोपेगेंडा फैलाया हुआ था कि मोदी जी गुजरात का कसाई हैं। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे मोदी जी की पॉपुलैरिटी इतने तेजी से बढ़ रही है और पाकिस्तान में तो बढ़ी रही है, लेकिन यह अलग बात है कि कुछ लोगों को यह बात हजमी नहीं होता है और भारत के और मोदी जी की बुराई करते हैं। और आप सब देखना कि ये जितने भी जाहिल हैं जो भारत में ही रहकर भारत के बुराई करते हैं, यह धीरे धीरे सब भूल जाएंगे बुराई करना। यह सब जितने भी बुराई करेंगे उतना ही तेजी से मोदी जी का पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। दोस्तों आप सब वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि पाकिस्तानी खुद भारत के और मोदी जी के तारीफे कर रहा है, आप सबको भी सुनकर बहुत मजा आने वाला है। के जो हम लोगों की दुश्मनी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो बॉर्डर तक है। अगर आप वहाँ जाएं खुद से, मैं खुद गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और तकरीबन भारत से जी इंडिया, मेरी पूरी ननियाल वहाँ पे रहती है, तो वहाँ के लोग बहुत मोहब्बत करते हैं। अच्छा, लास्ट विजिट कब था आपका? 2016 में। अच्छा जी, तरक्की में कहाँ है वो? तरक्की में तो पाकिस्तान से तकरीबन 15 साल आ गया जी। और वहाँ पर आप शॉपिंग करने चली जाए ना और किसी को पता लग जाए पाकिस्तान से, तो जो चीज़ वो 1000 रुपये की देते हैं ना, सेल करते हैं, वो आपको 500 की देंगे, भले वो अपनी पॉकेट से पैसे खर्च करें, लेकिन उनको पता लगे कि आप पाकिस्तान से। हालांकि हम लोग ये कहते हैं कि जी उसकी ऐसी कम तैसी, इंडिया यूं हो जाए फलाना, नहीं नहीं भाई, असल में जो है ना वहाँ की आवाम से पूछे तो कहते हैं कि वो हमें बड़ा बहुत बड़ा दुश्मन समझते हैं, बड़ा डिग्रेड जो है ना, यानी कि अगर 125 करोड़ आवाम है ना वहाँ पे, तो 25 करोड़ आवाम है जो सिर्फ मोहब्बे वतन नहीं है पाकिस्तान के लिए। बाकी कि मुसलमानों को कहेंगे ना पाकिस्तान आ जाओ, कभी भी नहीं आएंगे वो। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो जितने लोगों को देखा है ना, मैं वहाँ पे हर तकरीबन महीना गुजार के आता हूँ, ठीक है ना, लेकिन कभी नहीं मैंने देखा कि किसी ने मुझे गले ना लगाया। यानी हिंदू क्या, मुसलमान क्या, सिख क्या, ईसाई क्या, वहाँ पे सब जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है। मैं एक जगह खत करवाने चला गया, उसने मुझसे पैसे ही नहीं लिए, हिंदू था वो। अच्छा तो आप वहाँ पर जाते हैं और क्या तरक्की थी वहाँ की, मैं जानना चाह रही हूँ। तरक्की के मामले में जो है ना, सिर्फ और सिर्फ जो है ना, मैं इतना ही कहूँगा कि आप उनके मॉल्स में चले जाएं, ये है ना अपना, आपने नाम सुना हुआ है, मशहूर है हल्दीराम, ठीक है ना, 270 रुपये की थाली है, दो अफराद पेट भर के खाना खाते हैं, 270 रुपये की थाली, यानी उसके अंदर आपके 2 पराठे हैं, ठीक है ना, और 4 किस्म की सब्जियाँ हैं, एक ड्रिंक है, फिर 3-4 किस्म की उन्होंने जो है ना साइड जो है ना वो चटनियाँ भी रखी हुई हैं। इतनी बड़ी थाली है कि आप जब देखें तो आपको पता लगे कि भाई ये थाली एक बंदा कैसे खाएगा, और उसकी रेट क्या है, 270 रुपये, यानी उनकी कमाई के हिसाब से तो ठीक है, यानी 40 रुपये की तो बिरयानी की प्लेट है, और यहाँ पर जो है ना 150 रुपये की बिरयानी की प्लेट है, उसमें बोटी भी नहीं देते, और वो भी चिकन की। सुनिए अभी 300 रुपये पहुँच गई है, मतलब जिसमें बोटी नहीं है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जिसमें बोटी नहीं है उसकी बात कर रहा हूँ। तालीम की अगर बात करते हैं तो क्या था? बहुत ऊपर है, असल में जो है ना, देखिए मेरी बहन, अगर आप अपने बच्चों को वहाँ पढ़ा रही है ना, तो वो तो है ही नहीं, जितने अच्छे मार्क्स लेंगी ना उतने आपको पैसे मिलेंगे, आपको मालूम है इस बात का। बच्चे जो है ना वहाँ पर सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं ना, तो सरकार जो है ना बच्चों को मंथली पैसे देती है कि हमारे स्कूल आएँ और पढ़ाई करें। और मेरी एक मामू की बेटी है,
ठीक है ना, वो फर्स्ट ईयर में गई है तो उसको अब जो है ना वो 3,000 रुपये मंथली मिलता है कॉलेज से। तो मुस्लिम है ना, तो मुस्लिम मुसलमानों को सहूलतें मिल गई है वहाँ। वहाँ पे मुसलमानों को नहीं, उसको सहूलत है जो वहाँ का रिहाई मतलब मुकामी है ना। हाँ, चाहे वो हिंदू चाहे मुस्लिम, देखे ना उसकी पैदाइश तो वहीं की है ना। हाँ। तो फिर उसको क्या मसला है, उसको थोड़ी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से थोड़ी मसला है। उसको मसला ये है कि ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का पैदाइशी है, यहाँ का रिहायशी है, तो उन्होंने उसको फैसिलिटीज देनी है। मानो कि क्या कंडीशन है, क्या तफरका किया जाता है कि ये हिंदू है इसको राशन दो, मुस्लिम है इसको ना दो, ठुड्डे मारो इसको। बिल्कुल नहीं, वहाँ पे 4 रुपये लीटर घासलेट है, यानी पेट्रोल अपना मिट्टी का जो तेल है ना वो राशन कार्ड पे 4 रुपये लीटर मिलता है। आप तो मुस्लिम, हम तो सुनते हैं मीडिया पर कि वहाँ पर मुसलमानों को तो उन्होंने, मैं कहती हूँ, तलवारों के साथ नीचे रखा हुआ है, क्या है ये, क्या है? सब गलत है, सब जो है ना फेक बातें। जब तक आप जाएंगे नहीं ना, जब तक आपको पता नहीं लगेगा। तो मुसलमानों के लिए इंडिया क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट है। अभी मैं आपको बताता हूँ जो है ना वहाँ पर जो है ना सदर बाजार के अंदर एक मस्जिद है, उसका नाम है ऊंची मस्जिद। क्या सुन रही हूँ सर? ऊंची मस्जिद के नज़दीक से उन्होंने मेट्रो गुजारनी थी, तो जो है ना उन्होंने मेट्रो क्यों नहीं गुजारी वहाँ से, क्योंकि वो मस्जिद को तोड़ना पड़ना था, आपको मालूम है। तो मोदी ने कहा कि इस मस्जिद को तोड़ना नहीं है, इसका रास्ता चेंज कर दे। मेन तो जो है ना वो मोदी है ना इंडिया। सर हम तो यहाँ पर बड़ा ही वो सुनते हैं कि वहाँ मुसलमानों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता या ये वो, तो आप खुद देख कर आए हैं, तो मुसलमान वहाँ प्रोग्रेस कितनी है मुसलमानों की? बहुत है हर चीज़ में भाई। सरकारी मुलाजिम मेरे मामू जो है ना, बड़े मामू मेरे 17वें ग्रेड के अफसर हैं, वहाँ पे मुसलमान है। अगर हम बात करते हैं वहाँ पर, आपने चूंकि अभी मस्जिद वाला मुझे बताया, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पर मुसलमानों के लिए कैसे हैं? मैं असल में जो है ना वहाँ पर जाके इंजॉय करता हूँ हमेशा। आपने ये तो नहीं महसूस किया कि वहाँ के मुसलमान डरे हुए हैं या मस्जिदों में जाने से कतरा रहे हैं, या हिंदू आकर उनको कह रहे हैं तूने अगर अजान दी ना तो तेरी आज आखिरी रात होगी? आपको एक बात बताऊँ, मेरी ना तबीयत खराब हो गई लास्ट टाइम में जो गया ना, तो मुझे बुखार चढ़ गया, तो मेरे मामू ने कहा यार तू मेरे साथ बैठ, में चलता हूँ तुझे जाना डॉक्टर के यहाँ लेके। तो डॉक्टर की दुकान के साथ जो है ना दो हिंदू शराब पी रहे थे, जब उन्होंने हमें गली में आते देखा ना तो उन्होंने शराब की बोतल छुपा ली। खुदा की कसम आप यकीन करेंगी, उन्होंने कहा यार वो मौली साहब आ रहे हैं, तो मेरे मामू ने कहा कि मकसद तुम्हारी दाढ़ी को देख के ना उन्होंने बोतल की बोतल छुपा ली है, मैं अकेला जा रहा होता ना शायद ना छुपाते, यानी वहाँ तो आम है ना भाई, वाइन जो है वहाँ पर आम है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू जो है ना आपकी दाढ़ी की ऑनर करता है, इससे बड़ी क्या बात है। इंडिया में हमेशा जो बंदा परफॉर्म करता है, जिसकी इज्जत होती है, इंडिया वाले उसको इज्जत देते हैं। जैसे अब्दुल कलाम ने वर्ल्ड मतलब वो बनाया एटम बम, तो उसको सदर बनाया। अभी शामी ने विकेट ली, अच्छा खेला, तो उसके जगह पे वो स्टेडियम बना रहे हैं उनके गांव में, उनके गांव में। ये बड़ी बात है भाई, यही चीज़ें हमें भी सीखनी चाहिए। हमने इंडिया हिंदुस्तान से फिल्में देखी, बहुत कुछ सीखा। आज तक मुझे बताया कल जिस तरह उनके मोदी ने अपने मोहम्मद शामी को गले लगाया, उसके बाद उनको विराट कोहली को हौसला दिया, सबको हौसला दे गया है। तो अगर हम बात करें पाकिस्तान की, आज तक हमारे जो हुक्मरानों ने कभी भी हमारे क्रिकेट टीम वाले को किसी को भी हौसला नहीं दिया। असल बात है पाकिस्तान जब से बना है, पाकिस्तान में जब भी किसी ने परफॉर्म किया है, चाहे वो कोई प्लेयर है, चाहे वो कोई सियासतदान है, चाहे किसी इदारे में है, कभी भी पाकिस्तान ने उसको उसका रिकॉर्ड नहीं दिया। हत्ता के आर्मी के जो जवान शहीद हुए थे, जो होते हैं, उसको भी वो निशाने हैदर नहीं देते जल्दी जल्दी, उनको भी नहीं देते। कर्नल शेर खान जो था, इसने कारगिल की जंग में घास इसके मैदे से बरामद हुई है, इसको ऑर्डर आ गए थे वापस आने के, मगर ये वापस नहीं आया, उधर दुश्मन के घुस के इसने मारा है। और ठीक है, फिर इसको नवाज शरीफ को कहा जी इसको निशाने अदर दिया जाए, तो वो कह रहा था ये पठान है छोड़ो इसको नहीं देते, पंजाबी है। ठीक है, देखें जब हम शहीदों को नहीं दे रहे जिसने कौम के लिए कुर्बानियां दी है, तो प्लेयरों को ये कहां से देंगे। और जिस तरह का हमने देखा हो कि हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा प्लेयर्स को गले लगाए, और जिस तरह मोहम्मद शामी को गले लगाया, मुझे बड़ी खुशी हुई है यार, ऐसा उन्होंने जितनी भी टीम सबके हौसले को अफजाई किया कि यार आप टेंशन लो, अगला वर्ल्ड कप आएगा, अगले वर्ल्ड कप में जीत जाना। इस तरह कोई प्राइम मिनिस्टर करता आज तक ऐसा प्राइम मिनिस्टर हमें मिला, हम ख्वाहिश करते हैं प्राइम मिनिस्टर में ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं मिला, इसलिए तो पाकिस्तान का ये हाल है। दोस्तों पाकिस्तानी लीडर जितने भी हैं और कुछ पाकिस्तानी मीडिया, यह जब तक भारत के बुराई ना कर ले, हिंदुओं को बुरा ना बोल दे, एटम बम की धमकियां ना दे ले, तब तक इन लोगों को खाना हजम ही नहीं होता है, और इसलिए आज इनका ये हाल हो गया है।
क्योंकि ये जितने भी प्रोपेगेंडा फैला रखे थे ना, जितने भी झूठ बोल रखे थे अपने आवाम से कि मुसलमानों को वहाँ पर अत्याचार हो रहा है, हिंदू जीने नहीं दे रहे हैं, आरएसएस मार रही है, मस्जिदों में जाने नहीं देते हैं, यह सब जितने भी झूठ बोलते थे पहले, वह सब आज धीरे धीरे खुल रहा है सोशल मीडिया की वजह से। अब वहाँ के आवाम जाग चुकी है। लेकिन यह बात भी सच है कि इन लोगों को बचपन से ही जाहिल मौलाना मौलवी जाहिलियत वाला इंजेक्शन दे दिए हैं, तो ये तो जाहिल के जाहिल रहेंगे। खैर दोस्तों, आप सब कमेंट करके बताना कि इनके माइंड से जाहिलियत कभी निकल सकता है या नहीं, आप सब नीचे कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।